हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप सब ने मेरा और सिद्धार्थ का कपिल शर्मा के साथ फोटो तो देखा ही है। तो अभी हम लोग आए हैं उनका लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरा ड्रीम है उनका परफॉर्मेंस देखना है। तो अभी हम लोग आए हैं। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि कपिल शर्मा से आप कहाँ मिले। तो कपिल शर्मा डेलस USA में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका टूर चल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉन्सर्ट देखने के लिए। तो चलिए अंदर। हो जाता है 50 साल लग गए प्यार, इतना महंगा पड़ गया, क्योंकि गरीब आदमी है जी। हाँ, क्या बात है, कुछ नहीं पता चला मुझे क्या बोला आपने।
अच्छा देख लो, हम सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली सब हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। दोनों लोगों को कोई लेना देना नहीं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। ये जूलिया देखो कैमरे में खड़ी है, उसको कोई लेना देना नहीं। मैं इसलिए कदर करता हूँ, जब हम लोग बाहर आते हैं, आप लोग अपनी मेहनत से कमाई हुई जो दौलत है वो खर्चा करके इतना प्यार देने किसी आर्टिस्ट को आते हैं, क्योंकि पैसा बड़े मुश्किल से कमाया जाता है, आम आदमी को बड़ी टेंशन भी होती है। इसका एग्जांपल भी देख लिया मैंने, किसी को बोला हमारे भाई थे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से, कहते चपातियां, मैं कहा मैं सिर्फ दो ही चपातियां खाता हूँ, वो दो ले आए और वो चपाती थी इतनी बड़ी, मैंने 1/4 खाई, बाकी किसने लुंगी बना के पहन ली दिनेश ने। अच्छा एक और चीज मैंने सुनी कि यहाँ पे स्टेट टैक्स भी नहीं है, हैं? बिना टैक्स लिए एवरीथिंग इज बिगर इन टैक्सेस, वरना कई जगह तो टैक्स ले लेके बिगर को भी बैकर बना देते हैं, कितने बुरे हाल है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि टैक्सेस को बसाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स माफ किए, लंबी चौड़ी सड़कें बना के रख दी है, फिर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि लोग आएंगे बसेंगे तो उनको दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ उल्टा होता है, पहले लोग बस जाते हैं, इतना बस जाते हैं जब सुबह उठते हैं फिर याद आता सड़क तो बनाई नहीं, फिर घरों के बीच में से सड़क बनाते हैं। इसलिए आप कभी कभी देखना सड़क के दोनों तरफ ना आधे आधे बाथरूम कटे हुए मिलते हैं आपको। लेके आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जोरदार तालियां उनके लिए। और जो लोग पास लेके आए हैं उनके लिए तो पैरों से भी तालियां बजानी बनती है। उसका रीजन ये है कि टिकट वालों को तो पता है टिकट कहाँ में मिलती है, लेकिन जिन्होंने पास अरेंज करने हैं उनका काम बहुत ही टास्क बड़ा खतरनाक होता है। मैं आपको बात बताता हूँ, वैसे मेरी छोटी सी फैमिली है, सारे तकरीबन अमृतसर के आसपास ही रहते हैं, लेकिन जैसे कभी हमारा शो अनाउंस होता है ना यूएस में या कनाडा में, मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्तेदार निकल आते हैं। कल ही मेरी एक मासी का फोन आया, मैं बोली मासी बोली मैंने पहचाना, मैं तो बोली मासी मैंने कभी सुना नहीं, कहती तुम कैसे छोटा सा था भी कितना था इतना मशहूर हो गए शादी कर ले, मैं कहा मेरे तो दो बच्चे भी हो गए। अच्छा मैं फिर जॉब पे गई हूँ वहाँ की, शायद मैनू नहीं आइडिया हैगा। बड़ी मेहनत होती है पास जुगाड़ करने में, पास जुगाड़ करने वाले ना ऑर्गेनाइजर का ऐसा रिश्तेदार ढूंढते हैं जिसको ऑर्गेनाइजर का कहीं जहाज में ना खुद उड़ाना पड़े सीरियसली, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे दे दिए ना, अब पैसे दे दिए, कोविड में बाहर तो निकल नहीं सकते थे, पैसे घर में पड़े रहे, जैसे कोविड खत्म हुआ वो खर्च कर रहे हैं, तो खर्च हो जाएंगे फिर काम पे आएंगे, ऐसा हमें सुनने को मिला। अच्छा सीरियसली हमारे लगेज नहीं आ रहे थे, एक आदमी मैंने देखा एयरपोर्ट पे, वो परेशान करता मेरा सूटकेस नहीं आया, और आदमी देखा कहता मेरा भी सूटकेस नहीं आया, मैं आगे गया दो सूटकेस खड़े थे, कहता हमारा तो बंदा ही नहीं आया। लेकिन एक मैंने गुजराती भाई देखा, वो दो सूटकेस लेके जा रहा था, मैंने कहा तुम्हारे कैसे आ गए, कहता मारू एक छोटे छू दूसरों ने दो ले जाऊं छू मैं, मतलब। पर मैंने देखा दुनिया घूमनी हो या तो अमरीका आ जाओ, अगर अमरीका में नहीं आना तो कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट आप बैठ जाओ आपको वहां की खुशबू से पता चल जाता कि कौन कौन लोग बैठे हैं। अभी हम ये सीरियसली, अगर आपको बड़े एयरक्राफ्ट में कहीं से थेपलों की स्मेल आ रही है तो आपको आइडिया लग जाता है इस तरह गुजराती बैठे हुए हैं, कहीं अगर आपको सांबर इडली रसम की स्मेल आ रही है समझ जाओ साउथ इंडियन ट्रेवल कर रहे हैं। और अगर जहाज अभी टेक ऑफ ही हुआ है, जहाज सीधा भी नहीं हुआ और कोई आदमी टेढ़ा हो गया है तो समझ जाओ पंजाब वाले भी हैं। बाकी लोग तो जहाज सीधा होने के बाद शुरू करते हैं, हमारे लोग घर से भी। हाँ जी क्या करना, मेरे को आपके तो बड़ा परेशान कर रहा भाई, दो अपने टिकट के पैसे वापस दे दो। उसने इधर से काटा थोड़ा सा, इधर से काटा और जो बीच में गुटली होती सारा आम तो उस पे लगा, वो सारा डस्टबिन में फेंक दिया, सारा आम बेच 10% आम खाया, 90% उसका वजन, स्टेट टैक्स नहीं है ना। इंडियन आदमी आम खाता है ना, जब वो आम कैसे खाता है पहले तो वो अपनी जैकेट उतारेगा। फिर शर्ट उतारेगा, उसकी जगह बनियान में आएगा, फिर लुंगी पहनेगा, फिर जमीन पे बैठ के बड़ी वाली परात रख लेता है आगे, फिर आम को पकड़ता है प्यार से मोहब्बत से, आम को ना यूं यूं मसलता है, पहले आम भी उसकी बातों में आ जाता है। क्या है मोहम्मद रफी गा रहे पीछे म्यूजिक दे रहे हैं, तो मैं 10 साल हो गए वहां बजाता नहीं, जहां बजाना होता
आम को भी लगता है मुझे हमेशा सब ने खाया, मेरी मसाज तो कभी की नहीं। उसको नरम करते हैं पहले, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके ना, फिर उसकी जो डुंडी होती है, फिर उसको ऐसा चूसा लगाते हैं उसकी किडनी तक चूस जाती है। और जो आम की गुठली होती है वो अपनी जान बचा के ना सामने से निकल जाती है। अंग्रेज आदमी आम खा के चूसेगा ना, वो फेंकेगा उसकी जो क्या बोलते उसको गुठली, तो वहां पे फिर आम का पेड़ आ जाएगा। इंडियन आदमी आम, आज इतने सारे लोगों को हंसते हुए देख रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन में 2 साल बीवी के साथ मतलब एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहे हम, इतना एक दूसरे को देख लिया हमारी शक्लें मिलने लगी थी बीच में। 6 महीने और निकले लॉकडाउन के, फिर एक दूसरे के कपड़े आने लग गए। उन दिनों लोग ज्यादा कपड़े ही नहीं पहनते थे क्योंकि खुद ही धोने पड़ते थे। मैं इसलिए मैं माहौल को थोड़ा म्यूजिकल बनाया। वैसे मैं जबरदस्ती आपको गाने नहीं सुनाना चाहता था, पर इनकी भी टिकटों पे खर्चा हुआ है। अब आज मैं चेयर भी लाऊं। हाँ जी, अरे वाह, मुझे सॉरी सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आखिर गाना वो गा रहे हैं, कोई भी फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी बाजीगर का गाना ले लो, कोई गाना गा रहे हैं, जो आदमी ने दारू पी हुई ना वो सुनता है लिरिक्स, अगर तो वो थोड़ा सैड है, अगर वो ज्यादा खुश है तो फिर वो बीट सुनता है। सिंगर बड़े चलाक होते हैं कई कई बार, वो दोनों मौके कैसे संभालते हैं। वो गाना गा रहा है सिंगर, मेरा दिल था केला तुम्हें खेले ऐसा खेला, तेरी याद में जादू रात भर, बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, चिट्ठी न कोई संदेह हो, चिट्ठी न कोई संदेह, जाने हो कौन सा तेज जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेह, जाने हो कौन सा तेज जहां तुम चले गए, इस दिल पे लगा के जाने तो कौन सा जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई पांडे जी, कुछ इंप्रोम्प्टू करते हैं।
बड़ा मजा आया लोगों को लाइव शो में आने का, कोई तो फायदा हो ठीक है, बैठो ध्यान से, पैर वैर नहीं लगे उधर। चलिए आप लोगों की जाने का, हाँ जी, 1 2 3 डाल का मन हो तो आगे आ सकते हैं, बस लास्ट 5 मिनट तक।